बहू, तुमने इस घर का नियम तोड़ा है। आइए सुनते हैं इस कहानी को। कनिका शर्मा परिवार की पढ़ी लिखी समझदार बहू थी। ऐसे तो सर्वगुण संपन्न थी, पर अपने मन की बात नहीं कह पाती थी। सास ससुर देवर ननंद पति सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती, हर रिश्ते को बखूबी निभाती। अरे रीमा, चाय चढ़ा दी क्या? बाबूजी आते ही होंगे। कनिका, सांझ की आरती कर एक दीपक तुलसी पर भी रख देना। सरिता ने बेटी और बहू को निर्देश दे दिए। जय और विजय पिता के साथ दुकान से आ गए। रीमा ने पिता को चाय दे दी। दोनों भाई हाथ मुंह धोने चले गए। ये है आलोक शर्मा जी का सुखी और संयुक्त परिवार। भाभी, आप खाना लगा दो, बड़ी जोरों की भूख लगी है। रीमा ने दरी बिछा दी। दोनों भाई माता पिता के साथ खाना खाने बैठ गए। कनिका गर्मा गर्म रोटी उतारती जा रही थी, रीमा सबको परोस रही थी। भाभी के हाथ के स्वाद के तो क्या कहने, मेरी पसंद की पनीर भुर्जी, भैया का पसंदीदा रायता, बाबूजी का सूजी का हलवा और रीमा की फेवरेट खस्ता पूरी। विजय उंगलियां चाटता हुआ बोल रहा, साक्षात अन्नपूर्णा है मेरी बहू। ससुर जी सुर में सुर मिलाए। सबको इतना खुशी से खाता देख सरिता और जय भी प्रसन्नचित हो जाते। इतनी तारीफ सुनने के बाद तो कनिका के काम की सारी थकावट पल में उड़नछू हो जाती। अपने इस छोटे से संसार में कनिका इतना रम गई थी कि वो सबको खुश रखते रखते खुद की पसंद नापसंद ही भूल बैठी थी। कनिका ही नहीं, ज्यादातर घरेलू औरतें ऐसा ही करती हैं। दो मीठे प्यार के बोल सुनने को वो पूरा दिन लगी रहती हैं। सबके चेहरे की मुस्कुराहट को ही अपनी गाढ़ी कमाई मानकर खुश हो जाती हैं। इन्हीं सब में कहीं ना कहीं वो इतना खो जाती हैं कि अपना अस्तित्व ही भूल जाती हैं। रीमा जानती थी कि भाभी को बेकिंग और कुकिंग का शौक है। उसने कई बार भाभी का मन टटोलने की कोशिश की। शर्मा परिवार में औरतों का काम कर कमाना गलत माना जाता था और कनिका अपने ससुराल के माहौल के हिसाब से ढल गई थी। लेकिन जय अपनी पत्नी को समझता था। वो जानता था कि ये अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगी, तो वो दुकान का बहाना कर कनिका को होममेड चॉकलेट के आर्डर लाकर देता। कनिका दिन में सबके सुस्ताने के समय पर वो चॉकलेट बनाती और रात को कमरे में छुपके से उनकी सुंदर सी पैकिंग कर देती। जय अपनी दुकान पर भी चॉकलेट रखता, सो पकड़े जाने पर पति पत्नी बहाना कर देते। जन्मदिन, सालगिरह, त्योहार के अलावा वैलेंटाइन पर उनका बिजनेस ज्यादा चलता, लेकिन घर में किसी को पता ना चले तो वो ज्यादा ऑर्डर नहीं ले पाती। घर में पति पत्नी के अलावा कोई ये बात नहीं जानता था। छोटी सी कमाई भी कनिका को बहुत सुकून देती। हाथ में अगर पैसा खुद का कमाया हो तो खुशी अलग ही होती है। साल के 20 से 25 हजार उसके खाते में जमा हो जाते, जिसे कनिका मायके से मिले नेक और बचत का नाम दे देती। घर का सारा खर्च सरिता और आलोक जी चलाते। बेटी बहू को शॉपिंग के लिए पैसे भी उन्हीं से लेने होते थे और खर्च का सारा हिसाब घर आकर देना होता था। यही नियम बेटों पर भी लागू होता था। कनिका मध्यम वर्गीय परिवार से थी, विधवा माँ थी जो पूरी तरह से बेटों और बहू पर आश्रित थी। कनिका का मायके जाना हुआ। अचानक माँ के पेट में दर्द होने से वो उन्हें अस्पताल ले गई। वहाँ पता चला तुरंत ऑपरेशन करना होगा। कनिका ने भाइयों से बात करी तो वो बोले पैन किलर का इंजेक्शन लगवा दो, अब इस उम्र में क्या ऑपरेशन करवाना। भाइयों से उसे कोई उम्मीद भी नहीं थी। उसने जय को अस्पताल बुलवाया। दोनों पति पत्नी ने माँ का ऑपरेशन करवा दिया। माँ को घर पहुंचाकर कनिका ने भाई भाभियों को शर्मिंदा किया। माँ मेरी भी है, सो इनकी सेवा करना मेरा भी फर्ज है। ऑपरेशन का खर्च मैंने भर दिया, लेकिन अब इनकी सेवा में लापरवाही हुई तो मैं प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा लेने आ जाऊंगी। भाई भाभी पसीना पसीना हो गए। कनिका अपने कमाए पैसों का ऐसा सदुपयोग देख बहुत खुश थी। आज अपना पैसा अपनी माँ के इलाज पे खर्च कर उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था, लेकिन ये खुशी चंद लम्हों की थी। ससुराल पहुँचते ही सबकी निगाहें जय और कनिका पर थी। सरिता और आलोक जी ने समधन की तबीयत से पहले अस्पताल के खर्च के बारे में पूछा। ये क्या सुन रहे हैं बहू, तुम्हारी माँ का इलाज तुमने अपने पैसों से करवाया? हमारे घर का नियम तुमने कब तोड़ा? इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई गई? कनिका का दर्द आंखों में अब और न सिमट सका, आंसू बनकर बह गया। मुझे माफ कर दीजिए माँ बाबूजी, मैंने आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं किया। आज मेरी माँ मेरी आंखों के आगे दर्द से तड़प रही थी, लेकिन मेरी इस आत्मनिर्भरता की वजह से मुझे मेरे भाइयों या ससुराल वालों के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े। मुझे पता है इस मुश्किल घड़ी में आप मेरी मदद जरूर करते,
लेकिन बाबूजी, मुझे जो खुशी मिल रही है उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। कनिका ने बाबूजी के पैर छू लिए। उठो बहू, तुमने तो मुझे मेरा गुजरा जमाना याद दिला दिया। मेरे पिताजी भी बीमार थे, मैं छोटा था। हफ्ता भर एक होटल में बर्तन साफ करके उनकी दवाइयों का पैसा जोड़ा। चाचा से पैसे ना मांगकर अपने कमाए पैसे से जब पिताजी की दवा लाई तो अजीब सा सुकून मिला था। उस जमाने में तो सिर्फ बेटे ही कमाते थे, वही माँ बाप की सेवा करते थे, लेकिन अब बेटा बेटी बराबर हैं तो उनके फर्ज भी समान हैं, तो कमाने का अधिकार भी दोनों को है। अब पुराने नियमों को बदलने का समय आ गया है। अब कनिका ने सास और ननंद की मदद से अपना होममेड चॉकलेट का बिजनेस बढ़ा लिया था। उसने बड़े ऑर्डर लेने शुरू कर दिए। साल का 20,000 से आमदनी 1,00,000 तक पहुंच गई थी। बस इतनी सी कहानी थी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।